हेलो गाइस, मैं इंदु चौधरी, आपकी लाइफ एंड बिजनेस कोच। आज अगर आप फ्रेशर हैं, कोई नया करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको करियर किस तरीके से चूज़ करना है। करियर किस लिए चूज़ करते हैं हम, पहले हम इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हमें करियर की ज़रूरत क्यों है, हमें कमाने की ज़रूरत क्यों है, ताकि हमें रोज़मर्रा के लिए जिस मनी की, जिस पैसे की ज़रूरत होती है, वो फुलफ़िल हो सके। तो अभी फ़िलहाल अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको कितने तरीके पता हैं जिन तरीक़ों से आप पैसा कमा सकते हैं, तो आपका जवाब होगा दो। आपको पता होगा कि लोग जॉब्स करते हैं और दूसरे तरीके के लोग बिजनेस करते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि रॉबर्ट कियोसाकी, जो बहुत ही फेमस नेटवर्क मार्केटिंग लीडर हैं, वो बताते हैं कि यहाँ हमारे दुनिया में चार तरीके होते हैं पैसा कमाने के लिए, जिसमें से कि पहला और सबसे हॉट, मतलब कि जिसको 80% लोग करते हैं, वो होती है जॉब्स। ज़्यादातर लोग, मतलब कि 80% लोग जो होते हैं, वो जॉब्स करना पसंद करते हैं। और वो क्यों करते हैं, क्योंकि जॉब्स उनको ज़्यादा सेफ और सिक्योर लगती है। उनको ऐसा लगता है कि पूरे महीने काम करने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम पर उनको बंधी बंधाई इनकम मिल जाती है, तो इसलिए वो अपने एक कंफर्ट जोन का उसको हिस्सा मानते हैं। दूसरा तरीका, आपने देखा होगा कि आपके आसपास कुछ लोग जो होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, सीए हैं, जो लोग अपनी खुद की प्रोफेशनल स्किल्स को यूटिलाइज करते हैं। कुछ लोगों की दुकानें होती हैं, तो ये लोग जो होते हैं ये सेल्फ एम्प्लॉयड में आ जाते हैं, जो अपने आप को ही काम दे देते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कुछ 10% लोग जो होते हैं इन सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लेवल में आ जाते हैं। इसके अलावा जो अगला हमारा लेवल आता है, वो होता है बिजनेसमैन का। बिजनेसमैन मैं जिनकी बात कर रही हूँ, जिनके बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, जैसे कि टाटा हैं, अंबानी हैं, इस तरीके के ग्रुप्स जो होते हैं, जो बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 5% लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। चौथा लेवल जो होता है, वो होता है इन्वेस्टर्स का, जिसमें कि ये भी काफ़ी बड़े लेवल के बिजनेसमैन होते हैं, जो अपना पैसा बड़े बड़े बिजनेस में लगाते हैं और उसके थ्रू मुनाफा कमाते हैं। अब अगर बात करी जाए आपके करियर की, तो देखते हैं कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। आप फिर से वही बोलेंगे कि हमारे लिए जॉब बेटर है, क्योंकि 80% लोग इसी को सेफ और सिक्योर समझते हैं। पर मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इन में से सबसे ज़्यादा अमीर कौन होता है, जॉब्स वाला बंदा, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स, तब आपका जवाब क्या होगा? सही कहा आपने, या तो बिजनेसमैन या इन्वेस्टर। बट फिर भी इन्वेस्टर बनना इतना इजी नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है और बहुत सारी नॉलेज होना ज़रूरी है, जो इतना इजीली कहीं से मिल नहीं पाती है। अब बचा आपका बिजनेसमैन। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ रिच बनने की सोच रखते हैं, तो बिजनेस आपके लिए बेस्ट है। पर अगर ये इतना ही बेस्ट है, तो फिर 5% लोग ही बिजनेस तक क्यों पहुंच पाते हैं? वो इसलिए क्योंकि बिजनेस के साथ कुछ एक बातें जुड़ी हुई हैं, जिसको मिडिल क्लास लोग या कॉमन लोग करना नहीं पसंद करते हैं, या उनको डर लगता है। वो है कि बिजनेस करने के लिए लगता है मोटा पैसा, हाई कैपिटल और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा उसमें होता है बहुत रिस्क। कई लोग बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लगाकर, पर अगर उनको कुछ नॉलेज की प्रॉब्लम है या एक्सपीरियंस कम है या कोई भी आगे जाके प्रॉब्लम हो जाती है, पैसा डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से लोग बिजनेस करना पसंद नहीं करते हैं, वो सेफ साइड रहना पसंद करते हैं। तब आप मुझे बताइए कि क्या लगता है आपको, अगर आप रिच होना चाहते हैं, आपको रिच भी होना है पर आपको बिजनेस भी नहीं करना है, तो क्या कोई ऐसा तरीका आपको पता है जिसके थ्रू आप बिजनेस तो करें पर आपका पैसा डूबे ना और आपको कोई रिस्क ना हो?
मतलब ऐसा बिजनेस जो सेफ और सिक्योर हो। तो उसका एक सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ बता सकती हूँ। एक बिजनेस है जो फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करता है, जिसमें कि लो कॉस्ट स्टार्टअप है, आपको बहुत ज़्यादा इनिशियल कैपिटल नहीं लगाना पड़ता है। इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें आपको बहुत सारे लोगों का साथ मिलता है, पर आपको किसी की कोई सैलरी नहीं देनी होती। आप उन लोगों के थ्रू कमा तो सकते हैं, पर आपको उनकी कोई देनदारी नहीं होती। आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई स्पेशल सा स्पेस इसके लिए लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आप इसके स्कोप के बारे में जानना चाहेंगे, तो इसका स्कोप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा है। 2025 तक ये इंडस्ट्री 1,00,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। यहाँ पर काम करते टाइम आपको फ्री में पावरफुल ट्रेनिंग्स मिलती हैं, बहुत सारे लोगों का साथ मिलता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करते हैं। माइंडसेट बिल्डिंग होती है आपकी, इसमें कोई रिस्क नहीं लगता है। इसके साथ जैसे जैसे आप इस काम में माहिर होते जाते हैं, तो आपको आगे जाकर टाइम और मनी फ्रीडम मिलती है। आपको पैसिव इनकम मिलना स्टार्ट हो जाती है एक लेवल पे जाके, जैसे कि जब आप काम करना बंद भी कर दें तो पैसा आपको हमेशा आता रहता है। आप अपने बच्चों के लिए यहाँ एक अच्छी खासी जायदाद भी छोड़कर जा सकते हैं। और उसके अलावा इस बिजनेस के थ्रू आप बहुत जल्दी 4 to 5 years में रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। हाँ जी, मुझे पता होगा, आप जब रिटायरमेंट वर्ड सुनते हैं तो आपको 60 साल की उम्र याद आती है, बट इस बिजनेस के थ्रू आप 4 to 5 साल में रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। सर, ये बिजनेस आप लोगों ने आज भी कई बार सुना होगा आज तक, बट इसकी इतनी सारी खासियत शायद आपको ना पता हो, तो वो आज मैंने पहले आपको खासियत बताई है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये बिजनेस है फ्रेंचाइजी मॉडल पे निर्धारित, जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। सही सुना आपने, ये नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जो लो कॉस्ट स्टार्टअप है, जिसमें किसी डिग्री एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, पैसिव इनकम मिलती है, जिसमें अर्ली रिटायरमेंट होता है, आपकी माइंडसेट बिल्डिंग होती है, जिसमें आपको पावरफुल ट्रेनिंग्स मिलती हैं और जिसका स्कोप बहुत हाई है। इतनी सारी खासियत हैं, तो ये बिजनेस एक मिडिल क्लास, एक कॉमन पर्सन के लिए बेस्ट है। अगर इसके बारे में और आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप इसके बारे में और वीडियोस चाहते हैं। और आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।